हैलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विद हर्षितेयर विद यू कम्पलीट रिजन ऑफ यूनिट वन क्लाउड कम्प्यूटिंग फॉर बिजनेस आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट वन काम्पलीट रिवीजन जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर बिजनेस सब्जेक्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ बिजनेस टू एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड एंड स्केल अप और स्केल डाउन एज नीडेड। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अलाउ करती है बिजनेसिस को एक्सेस करने के कंप्यूटर रिसोर्स को ऑन डिमांड उसको जब वो चाहें उसको ज्यादा कर सकते हैं और जब चाहें उसकी जो है रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट्स द नीड फॉर बिजनेसिस टू इन्वेस्ट इन एंड मेंटेन देयर ओन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंस कॉस्ट सेविंग क्लाउड कम्प्यूटिंग की वजह से फ्रेंड्स जो बड़े बड़े बिजनेसिस हैं उनको जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे कि अगर वो अपने पास हार्ड डिस्क का एक पूरा सेट बनाते डेटा बेस बनाएंगे अपना ऑफलाइन तो उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी उसकी जगह वो क्लाउड में शिफ्ट हो गए तो क्लाउड में क्या है उनको ना ही कोई हार्डवेयर की जरूरत है ना ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो क्लाउड का यूज करते हैं जब जितनी जरूरत होती है उतना जो है वो स्केल अप और स्केल डाउन कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स इन्वेस्ट हैविली इन सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा इंक्लूडिंग एंड एक्सेस कंट्रोल एंड रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स फ्रेंड्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर होते हैं उन्होंने हेवीली ज़्यादा रुपये इन्वेस्ट करा है सिक्योरिटी को लेकर जिससे कि कस्टमर का जो डेटा है वो सिक्योर रखा जा सके जैसे कि इनक्रिप्शन करके एक्सेस कंट्रोल रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स है क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिमांड फ्रॉम द यूजर साइड क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिमांड कम हुई है

इंटरनेट कनेक्शन मेक इट इजियर फॉर रिमोट वर्कर टू स्टे कनेक्टेड एंड बी प्रोडक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग जो है अलाउ करता है एम्प्लॉय को बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एम्प्लॉय अपना जो है पूरा डेटा बेस्ट क्लाउड पर कर रखा है उसको कोई एम्प्लॉय चाहे तो वो किसी भी डिवाइस से लॉग इन कर सकता है उसे इंटरनेट की जरूरत है और वो अपना काम कर सकता है रिमोटली लोकेशन पर भी क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम इंटरफेस सॉफ्टवेयर कैन बी एच सिंपल एच वे वेब ब्राउज़र, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम का इंटरफ़ेस सॉफ़्टवेयर है, है जैसे वेब हो। इंक्लूड ईमेल सर्विस हुआ जैसे जी मेल हुआ हॉटमेल हुआ या हुआ इन सभी के क्लाउड भी हैं और जो है ये ई मेल सर्विसेज भी हैं क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर ऑफर डिजास्टर रिकवरी सर्विसेज डेट एनेवल बिजनेस टू रिकवर डेटा क्यू एंड इजीली इन इवेंट ऑफ ए डिजास्ट क्रिटिकल डेटा इज ऑलवेज अवेलेबल अगर कोई डिजास्टर आता है तो वो डेटा हो जाएगा क्लाउड पर जो होगा बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लोअर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर कॉस्ट फॉर यूजर इसका जो नंबर वन बेनिफिट है फ्रेंड आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत नहीं है और कंप्यूटर कॉस्ट फॉर यूजर कम हो जाएगी एज मैंशन अर्लीयर क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट द नीड फॉर बिजनेस टू इन्वेस्ट इन एंड मेंटेन देयर ओन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन लोअर कॉस्ट फॉर यूजर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कि बहुत ज्यादा महंगे होते हैं उसकी जगह वो क्लाउड पर शिफ्ट होंगे तो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा इंप्रूव परफॉर्मेंस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर ऑफ यूज पावरफुल सर्वर एंड नेटवर्क टू डिलीवर कंप्यूटिंग रिसोर्सेस रिजल्टिंग इन इम्प्रूवड परफॉर्मेंस एंड फास्टर रेस्पॉन्स टाइम क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर होते हैं फ्रेंड्स वो जो है पावरफुल सर्वर का यूज करते हैं जिससे कि नेटवर्क जो है जो हमारे यूजर है उसको कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो और जो है वो नॉर्मली जो हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह होती हैं जो नॉर्मल होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्पीड में वर्क होता है और फास्टर रेस्पॉन्स टाइम होता है फीवर मेन्टेनेंस इशू बिकॉज द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर यूजर एक्सपीरियंस फ्यूअर मेंटेनेंस इशू एंड डो नॉट हैव टू वरी अबाउट हार्डवेयर फेलियर और सिस्टम अपडेट क्योंकि जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर है वो रेस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए यूजर को किसी भी तरीके की टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ है सॉफ्टवेयर फेलियर इंस्टेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर कैन क्विकली एंड इजीली अपडेट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन एंश्योरिंग दैट यूजर ऑलवेज हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट फीचर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स इम्प्रूव कम्पैक्टेबिलिटी बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर कैन ऑफर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेट आर कंपेटेबल विद डिफरेंट ऑपरटिंग सिस्टम मेकिंग इट एजियर फॉर यूजर टू स्विच बिटवीन डिवाइसिस क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सॉफ्टवेयर हैं फ्रेंड्स वो जो है इस तरीके के ऑफर करते हैं कि वो ज़्यादातर डिवाइस में आसानी से चल सके जिससे कि जो यूजर है वो डिवाइस जो है स्विच आसानी से कर सके उसको ये दिक्कत ना हो कि आपकी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो क्लाउड का जो सॉफ्टवेयर है वो बीस हजार के फोन में ही ओपन होगा या आपका क्लाउड का जो वेबसाइट है या जो भी आपका सर्वर है वो ओपन जो है सिर्फ पचास हजार के लैपटॉप से ऊपर के पे होगा उससे नीचे जो है वो कैपेबल नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है क्लाउड जो है ऑफर करता है इस तरीके के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जो कि हर एक प्लेटफॉर्म डिवाइसेस पर स्विच कर सके जो यूजर है बैकअप एंड रिकवरी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर ऑफर बैकअप एंड रिकवरी सर्विसेज एंश्योरिंग दैट डेटा इज सेफ एंड एक्सेबल इन द इवेंट ऑफ ए डिजास्टर और सिस्टम फेलियर बैकअप और रिकवरी का जो ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराता है जिससे कि डेटा सेफ रहे अगर कोई डिजास्टर आता है या सिस्टम फेलियर होता है तो परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर कैन ऑफर स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस डेट कैन बी क्विकली एंड ईजिली स्केल्ड अपच नीडेड एंश्योरिंग दैट यूजर्स हैसेस टू दूटिंग पावर शन जो परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी है फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर जो है ये ऑफर कराते हैं कि जब आपको जिसने स्टोरेज या जिस, जिस तरीके की आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रेंड्स कितने टाइप के क्लाउड होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग नंबर वन है पब्लिक क्लाउड ए पब्लिक क्लाउड इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग where the cloud services are provided by a third party provider over the internet. Public cloud जो है टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग का जहाँ पर जो है क्लाउड सर्विसेज जो होती है फ्रेंड्स वो प्रोवाइड कराई है जाती हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के द्वारा ओवर द इंटरनेट दीज सर्विसेज आर अवेलेबल टू एनी वन हु वॉन्ट टू यूज दैम एंड प्रोवाइडर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ये सर्विस जो है अवेलेबल है हर एक के लिए जो उसको यूज करना चाहे और जो है प्रोवाइडर रेस्पॉन्सिबल है मैनेज और मेंस करने के इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को पब्लिक क्राउड आर टिपिकली यूज बाई स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसिस और इंडिविजुअल हु नीड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सिस बट डू नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन देअर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक क्लाउड जो है टिपिकली जो है फ्रेंड्स स्मॉल मीडियम साइज के बिजनेस और इंडिविजुअल करना कंप्यूटिंग बट वो नहीं चाहते इन्वेस्ट करना किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राइवेट क्लाउड ए प्राइवेट क्लाउड इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर द क्लाउड सर्विसेस आर यूज एक्सक्लूसिवली बाई एल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट क्लाउड क्या होता है फ्रेंड्स क्लाउड जो है एक टाइप का क्लाउड कंप्यूटिंग है जहाँ पर क्लाउड सर्विसेज जो हैं यूज करी जाती हैं एक्सक्लूसिवली सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी लोकेटेड ऑन प्रीमाइसिस और होस्टेड बाय ए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बट इट इज डेडिकेटेड सोलनली टू द ऑर्गेनाइजेशन यूज जो इसका फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोकेटेड होता है ऑन प्रोवाइसिस और होस्टेड बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बट ये जो है डेडिकेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन यूज के लिए प्राइवेट क्लाउड आर टिपिकली यूज्ड बाय लार्जर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर डिमांडिंग सिक्योरिटी एंड कंप्लीस रिक्वायरमेंट ये जो है प्राइवेट क्लाउड जो होता है फ्रेंड्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है जिनको ज्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है हाईब्रिड क्लाउड ए हाइब्रिड क्लाउड इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट कंबाइंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है फ्रेंड्स हाइब्रिड क्लाउड वो होता है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड जो है दोनों चीज अवेलेबल होती है कंबाइन होती है द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज बाई बोथ दर्गेनाइजेशन एंड ए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैनेज जो है ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के द्वारा कराया जाता है एंड वर्कलोड कैन बी मूव्ड बिटवीन द टू एच नीडेड जिस तरीके की नीड होती है उस तरीके की क्लाउड में वो शिफ्ट कर दिया जाता है आज मुझको जो मेरा पब्लिक डेटा पब्लिक क्लाउड पर जो डेटा है मुझको जरूरत है कि वो प्राइवेट अलाउड पर शिफ्ट होने चाहिए तो उस पर वो शिफ्ट हो जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उससे हिसाब का पे करूंगा मैं और वो प्राइवेट क्लाउड में शिफ्ट हो जाएगा और जब मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है तो वो पब्लिक क्लाउड में शिफ्ट हो जाएगा उसको हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं जिसमें दोनों चीज का ऑप्शन अवेलेबल होता है हाइब्रिड क्लाउड आर टिपिकली यूज बाई ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड टू बैलेंस द बेनिफिट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड सच एज कॉस्ट सेविंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी विद सिक्योरिटी इन उड का जो है यूज ऑर्गेनाइजेशन करती है जिनको बैलेंस करना होता है बेनिफिट को पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के और उनको जो है अपनी कॉस्ट सेविंग भी करनी होती है कम्युनिटी क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कम्प्यूटिंग वेयर इज शेयर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज बाई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, है क्लाउड कंप्यूटिंग का जहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करा जाता है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर इंटरेस्ट जिनका जो है सिमिलर इंटरेस्ट होता है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती है मेंबर ऑर्गेनाइजेशन शेयर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइल मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर देयर data and application community cloud can be hosted by a third-party provider or on-premises they are typically used by organizations that have similar it requirements such as government agencies educational institutions or healthcare providers evolution of cloud computing cloud computing emerged as a concept in the 1960s but it was not widely Used till the late 1990s, the development of virtualization technology in the 2000s paved the way for modern cloud computing. Amazon Web Services launched in 2006, introducing infrastructure as a service to the market. The introduction of platform as a service (PaaS) and software as a service (SaaS).

यूज टिल नाइनटीन नाइन्टी में हुआ उसके बाद जो है फ्रेंड्स टू थाउजेंड तक उसका जो है ज़्यादा यूज नहीं हुआ उसके बाद में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज लॉन्च हुई टू थाउजेंड सिक्स में और उसके बाद जो है पी ए एस का और एस ए एस का लॉन्च हुआ उसके बाद में टू थाउजेंड और टू थाउजेंड टेन के बीच में जो बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करा उनको पता पड़ गया कि क्लाउड जो है आने वाला फीचर है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल ने आई ने जो है बहुत ज़्यादा अपना रुपया खर्च करा क्लाउड को बनाना और क्लाउड पर इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले फ्यूचर में क्लाउड का ज़्यादातर यूज होगा और आज के टाइम में आप देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो हैं वो सब क्लाउड के थ्रू वर्क करती हैं ये है एवेल्यूशन ऑफ़ क्लाउड कंप्यूटिंग Cloud computing models: Infrastructure as a Services (IaaS). This model provides user with access to virtualized computing resources over the internet, including server, storage, networking, and other infrastructure components. Platform as a Service (PaaS). In this model, user can access a pre-built platform for developing, testing, and deploying application over the internet without having टू मैनेज अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एस ए एस 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 एक्सेस एंड यूज सॉफ्टवेयर थ्रू ए वेब ब्राउजर और एन ए पी आई फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेस क्या होता है हम, हम इसको समझते हैं ये जो मॉडल है वो जो है वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्स को शेयर करता है एक्सेस कराने की कैपेबिलिटी रखता है जैसे कि अगर हमको वर्चुअलाइज स्टोरेज की जरूरत है नेटवर्किंग की जरूरत है इंक्लूडिंग सर्वर वो सभी चीज़ हमें अवेलेबल हो जाएंगी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में क्या है फ्रेंड्स इन दिस मॉडल यूजर कैन एक्सेस प्री बेड प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग यूजर जो है किसी भी तरीके की कोई डेवलपिंग कर रहा है तो उसके लिए प्री बेल्ड प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फॉर डेवलपिंग टेस्टिंग एंड डेवलॉइंग एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट उसको किसी भी तरीके की मैनेज करने की जरूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज क्या होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज प्रोवाइड यूजर विद एक्सेस टू प्री बेल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये जो है प्री बेल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक्सेस कराता है ओवर द इंटरनेट और ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर होता है और जो है यूजर जो है एक्सेस कर सकता है इसका जो सॉफ्टवेयर है वो वेब ब्राउजर या ए पी आई के थ्रू फंक्शन एज ए सर्विसेज दिस मॉडल प्रोवाइड्स यूजर With access to pre-built function or code script that can be executed in response to certain event or trigger without requiring the user to manage any infrastructure or server. Backend as a services (BaaS). This model provides user with a pre-built backend infrastructure for developing and deploying mobile and web application, including databases push notification and user authentication desktop as a services d a a s provide users with access to a virtual desktop environment over the internet allowing them to access their desktop application and files from any device with an internet connection cloud characteristics resource pooling cloud service provider pool computing resources and allocate them Dynamically to meet the changing need of their customer. Rapid elasticity. Cloud services can rapidly and automatically scale up or scale down based on demand, allowing customer to pay only for what they use. Measured services, cloud service usage can be automatically monitored, measured and reported, providing transparency and enabling billing based on usage. Resource pooling coming. क्लाउड सर्विसेज जो हैं डायनेमिकली एलोकेट डायनेमिकली मीट द चेंजिंग नीड जो कि हमारे यूजर की नीड है उसके अकॉर्डिंग चेंज होने के लिए वो रेडी होती हैं और जो है रैपिड एलास्टिसिटी का मीनिंग ये हुआ कि जो इस टाइम जिस तरीके की जितने स्टोरेज की ज़रूरत है यूजर जो है पे करेगा उसके लिए और वो स्केल अप और स्केल डाउन कर सकता है जितनी उसको ज़रूरत है मेजर सर्विसेज में ये हुआ कि जो कि हमारा जो क्लाउड का यूजेज है वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर होता है मेजर होता है और रिपोर्ट होता है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आती है और बिलिंग बेस्ड यूजेज में जो है आसानी होती है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस यूजर कैन प्रोविजन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सच एज स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क बेंड विद एच नीडिड विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरक्शन विद द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्लाउड सर्विसेज कैन बी एक्सेस थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग लैपटॉप स्मार्टफोन एंड टैबलेट ओवर द इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज जैसे कि जिस स्टोरेज की मुझको ज़रूरत है प्रोसेसिंग की नेटवर्क बैंडविड्थ की बिना किसी ह्यूमन इंट्रैक्शन के जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सेल्फ सर्विस के थ्रू यूजर जो है उसको अचीव कर सकता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस जैसे हुआ फ्रेंड्स क्लाउड जो है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है आप जो हैं लैपटॉप से स्मार्टफोन से टैबलेट से ओवर द इंटरनेट या प्राइवेट नेटवर्क पर आप क्लाउड का यूज कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एगिलिबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स ए फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन क्विकली क्यूकली टू चेंजिंग बिजनेस नीड क्लाउड कंप्यूटिंग जो है प्रोवाइड कराती है फ्लेक्सिबिलिटी और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिजनेस की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो क्विकली चेंज हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आज मुझको हंड्रेड जी बी ऑफ स्टोरेज की क्लाउड की जरूरत है बट मुझको एक हफ्ते बाद हंड्रेड जी बी स्टोरेज की जरूरत नहीं है मुझको सिर्फ टेन जी बी स्टोरेज में मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसको डिक्रीज कर सकता हूँ और जब मुझको ज्यादा की जरूरत होगी तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो है यूजेज का मुझे पेमेंट करना होगा कॉस्ट सेविंग क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट द नीड ऑफ बिजनेस टू इन्वेस्ट इन एंड मेनटेन देअर ओन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है फ्रेंड्स बिजनेसिस को जो है इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है या मेनटेन करने की अपना खुद का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं फ्रेंड्स और जो है आप जो है कितना बहुत ज़्यादा महंगा इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आपको हाई स्पीड स्टोरेज एक्सेस चाहिए क्योंकि इनमें जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ये भी अलग अलग आते हैं कॉस्ट के अकॉर्डिंग होता है वन टी का है पर उसकी जो रीड एंड राइट स्पीड होती है कम होती है और जो अगर आप उसकी रीड एंड राइट स्पीड भी ज़्यादा चाहिए वन टी का भी चाहिए तो आपको उसी चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना होता है तो इसलिए क्लाउड के थ्रू आप जो है हाई स्पीड जो है अपने डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और उससे भी कम कॉस्ट में जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट होगा तो ये कॉस्ट सेविंग हुआ स्केलेबिलिटी क्लाउड कम्पिंग एंड हैंडल ट्रफिक स्पाइक जैसे की हमने समझाया की स्केलेबिलिटी है जब हमें जितनी जरूरत हो हम उतना उसका यूज कर सकते हैं मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर इन्वेस्ट हैस्टमर डेटा जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं फ्रेंड्स उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है सिक्योरिटी पर जिससे कि उनके जो यूजर है उनका डेटा सिक्योर रह सके एक्सेसिबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ एम्प्लॉय टू एक्सेस एप्लीकेशन एंड डेटा फ्रॉम एनी डिवाइस विद एन इंटरनेट कनेक्शन मेक इट ए फॉर रिमोट वर्क टू स्टे कनेक्टेड एंड बी प्रोडक्टिव एक्सेसिबिलिटी फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ करती है एम्प्लॉयज को वो एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन का और डेटा का किसी भी डिवाइस से ओवर द इंटरनेट कनेक्शन जिससे कि वो रिमोट लोकेशन पर भी अपना वर्क कर सकें जैसे कि वर्क फ्रॉम होम है इसका एग्जाम्पल क्लाउड कंप्यूटिंग डिसएडवांटेजेस जैसा कि हम जानते हैं हर एक चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग के भी डिसएडवांटेजेस हैं फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी क्लाउड कंप्यूटिंग रिलायस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर फंक्शन विच मीन्स डैट इफ देयर एनी कनेक्शन इश्यू इट कुड इम्पैक्ट द एबिलिटी टू एक्सेस डेटा और एप्लीकेशन ये जो है डिपेंडेंट है इंटरनेट कनेक्टिविटी पर अगर किसी भी तरह का इशू होता है कनेक्टिविटी पर तो ये डेटा हम एक्सेस नहीं कर सकते और ये जो है हमारे फंक्शन को रोक देगा ये इसका डिसएडवांटेज हुआ सेकेंड है सिक्योरिटी कंसर्न स्टोरिंग डेटा इन द क्लाउड राइज इस कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ दैट डेटा कंपनीज मस्ट रिलाई ऑन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर एंड देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच और हैक सिक्योरिटी कंसर्न है फ्रेंड्स जैसे कि क्लाउड में आपका जो है डेटा हैक हो सकता है सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है इसी चीज़ का जो है कंपनीज को डर रहता है कि अगर जो है ये हैक हो गया तो हमारा जो है प्राइवेट डेटा जो है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है जो हमें कॉम्पिटिटिव कंपनी है वो उसका यूज कर सकती है या कोई भी जना उस इंफॉर्मेशन का गलत यूज कर सकता है लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट देयर एप्लीकेशन एंड डेटा आर स्टोर्ड ऑन विच कैन लिमिट कस्टमाइजेशन ऑप्शन एंड मेक इट डिफिकल्ट डिफिकल्ट्रेवल शूट इशू लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूजर है क्लाउड कंप्यूटिंग का उसके पास जो है कोई कंट्रोल नहीं होता है कि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यूज सेलेक्ट कर सके कि किस में मेरा जो है डेटा स्टोर होना चाहिए पोटेंशियल फॉर वेंडर लॉक इन मूविंग डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम वन क्लाउड प्रोवाइडर टू अनदर कैन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव विच कैन लीड टू वेंडर लॉक इन एंड लिमिटेड फ्लेक्सीबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है फ्रेंड्स ये डिसवेंटेज है पोटेंशियल फॉर वेंडर लॉक इन जैसे कि क्या अगर मैंने ए सर्विसेज के क्लाउड को मैं यूज कर रहा हूँ और वो एक्सपेंसिव हो गया है तो मुझे जो है बी पर शिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि जो ए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग तरीके का है और जो बी का है वो अलग तरीके का है तो या तो मुझे ज़्यादा दिक्कत सहन करनी होगी या मुझे डेटा मेरा हो सकता है कुछ डेटा लॉस भी हो जाए मुझे शिफ्ट करने पे या मैं उसको ज़्यादा पे करूँ ए वाले को तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ कॉस्ट वाइल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग कैन रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग देर आर ऑल्सो पोटेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद डेटा ट्रांसफर नेटवर्क बैंथ विंड अदर सर्विसेस दैट कैन एडअप्ट ओवर टाइम जैसे कि हम जानते हैं कॉस्ट सेविंग है क्लाउड कंप्यूटिंग बट फ्रेंड्स कॉस्ट सेविंग हर एक उसमें नहीं है अगर आप उसकी जो है आप डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़वाना चाहते हैं नेटवर्क बैंड विथ अलग चाहते हैं तो आपको जो है पे करना होगा हरेक सर्विसेज के लिए डाउन टाइम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कैन एक्सपीरियंस डाउन टाइम विच कैन इम्पैक्ट द एबिलिटी टू एक्सेस डेटा और एप्लीकेशन दिस कैन बी स्पेशली प्रॉब्लम दैट रिले ऑन क्लाउड सर्विसेज फॉर मिशन क्रिटिकल फंक्शन डाउन टाइम भी होता है फ्रेंड्स क्लाउड सर्विसेस में जिसकी वजह से जो जो बिजनेस हैं ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ जाती है जिनका पूरा ही सिस्टम क्लाउड पर शिफ्ट है Of cloud को क्या क्या हार्डवेयर एंड आई टी स्टाफ रिक्वायरमेंट दिस अलाउ बिजनेस टू रिडायक्ट देर रिसोर्सेज टू अदर एरिया ऑफ द बिजनेस डेट कैन ड्राइव ग्रोथ एंड इनोवेशन कॉस्ट सेविंग है क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस के लिए फ्रेंड्स अगर वो रिड्यूस करती है हमारी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एनर्जी कंजप्शन और आई स्टाफ की रिक्वायरमेंट अगर हम जो है अपना खुद का स्टोरेज का लगाएंगे पूरा डेटा तो उसमें हमें जो है हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी साथ में वो एनर्जी कंजप्शन भी करेगा और उसको मेंटेन रखने के लिए एक हमें आईटी स्टाफ की भी जरूरत है 24 फोर आवर तो इन सभी की कॉस्ट को एलिमिनेट कर देता है क्लाउड क्लाउड की वजह से बिजनेस के जो है बहुत सारे रुपए सेव होते हैं और उन रूपों का वो अपनी ग्रोथ में और इनोवेशन में यूज कर सकता है वो उसके लिए एडवांटेज हुआ कॉम्पिटेटिव एज क्लाउड कंप्यूटिंग कैन गिव बिजनेस ए कॉम्पिटेटिव एज बाई मार्केट डिमांड विद क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेसिस कैन रिलाय रेपिडली डेप्लॉय न्यू एप्लीकेशन स्केल अप और स्केल डाउन एज नीडेड एंड कोलेबरेट मोर एफिशियंट कॉम्पिटेटिव एज से क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिस टाइम पर जितनी जरूरत होती है वो अप और स्केल डाउन कर सकते हैं और कोलेबरेट करने में भी आसानी होती है फ्लेक्सिबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स बिजनेसेस विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर एंड एनी डिवाइस विद ए इंटरनेट कनेक्शन दिस अलाउ बिजनेसिस टू सपोर्ट रिमोट वर्क रिड्यूस रियल एस्टेट कॉस्ट एंड इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिसफेक्शन फ्लैक्सीबिलिटी इंक्रीज होती है फ्रेंड्स क्लाउड कंप्यूटिंग से बिजनेस में अब जैसा कि हम हमारी जो टीम है उसमें अगर 100 परसेंट को हमें वर्क कराना है और एक बिल्डिंग है हमारी तो हमें अगर हायर करना है तो पहले हमें हायर करने से पहले उनका ये देखना होगा कि हम जितने जितने हायर कर रहे हैं उनको बैठने के लिए जगह है उनके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट सब चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा उसकी जगह अगर हम हायर करें हमारी एक बिल्डिंग है उसमें कैपेबिलिटी है उसकी 50 वर्कर को काम कराने की हमारे पास 50 डिवाइसेस हैं और अगर हम हायर करना चाहें और उसे कर दें हम वर्क फ्रॉम होम तो हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी तो हमारी कॉस्ट सेव होगी और हम जो है हायर भी कर सकते हैं और जो वर्कर हैं वो भी सेटिस्फाई रहेंगे क्योंकि वो रिमोट लोकेशन से वर्क कर सकते हैं तो ये एडवांटेज हुआ बिजनेस का क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्रूव डिजास्टर रिकवरी क्लाउड कंप्यूटिंग एनेबल बिजनेस टू इजीली बेकप देयर डेटा टू ऑफ साइड सर्वर मेकिंग इट इजर टू रिकवर डेटा इन द इवेंट ऑफ ए डिजास्टर दिस कैन से बिजनेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बेकअप एंड रिकवरी मेथड किसी भी तरीके का डिजास्टर होता है तो उसमें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा यूज है किसी भी कोई बिल्डिंग रह जाती है किसी ऑफिस की तो उसमें उसका सारा डेटा खराब हो जाए अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है उसका और डेटा है क्लाउड में तो ईजिली बेकअप हो जाएगा किसी भी थोड़े ही टाइम में वो दूसरे जगह पर उस डेटा का बैकअप करके वो अपना जो है वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं तो ये एडवांटेजेस हुए बिजनेस एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इशू एंड चैलेंजेस इन क्लाउड बेस्ड बिजनेस मॉडल इशू और चैलेंजेस क्या क्या हैं क्लाउड बेस्ड बिजनेस मॉडल में फर्स्ट है सिक्योरिटी एच डेटा इज स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर देर इज ए रिस्क ऑफ डेटा ब्रीच अनऑथोराइज एक्सेस एंड साइबर अटैक पहला जो कंसर्न है फ्रेंड सिक्योरिटी का है और इसमें जो है इस डेटा जो है रिमोट सर्वर पर स्टोर होता है तो पॉसिबिलिटी है कि डेटा ब्रीच की अनऑथराइज एक्सेस की और साइबर अटैक सेकेंड है रिलायबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग रिलायंस द इंटरनेट एंड द सर्वर प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन बी समाइम लीड टू डाउन टाइम और सर्विस डिस्ट्रप्शन रिलायबिलिटी में क्लाउड का जो है फ्रेंड्स ये डाउन टाइम भी आता है और हो सकता है जिस टाइम उनका डाउन टाइम हो उस टाइम हमें उस डेटा की बहुत ज़्यादा जरूरत हो तो ये जो है इशू हो जाएगा हमारे लिए कि हम उस डेटा को किस तरीके से एक्सेस करें इंटीग्रेशन माइग्रेटिंग एडजिस्टिंग सिस्टम एंड डेटा टू क्लाउड कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड देयर में रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड कैन बी चैलेंजिंग इन ए क्लाउड एनवाइ एज इट इन्वॉल्व एंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस कॉस्ट मैनेजमेंट वाइल क्लाउड कंप्यूटिंग कैन रेड्यूस आईटी कॉस्ट देआर कैन बी हिडन कॉस्ट एसोसिएटेड विद डेटा यूजेज डेटा ट्रांसफर एडिशनल सर्विसेज क्लाउड में ये नहीं है कि फ्रेंड्स की सिर्फ वो सस्ता ही है बट आपको जो है पे करना होगा अलग अलग सर्विसेज के लिए जैसे कि डेटा स्टोरेज के लिए आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप पे करें उसके लिए आपको मिल जाएगा डेटा ट्रांसफर करना है आपको ज़्यादा स्पीड से करना है तो पे करिए स्पीड बढ़ जाएगी आपकी और अगर आपको एडिशनल कोई सर्विस चाहिए तो उसके लिए भी आप पे करेंगे तो आपकी सर्विस बढ़ जाएगी बट आपको पेमेंट करना होगा कि ऐसा नहीं है कि वो सस्ता ही है वो आपके कॉस्ट बढ़ भी जाएगी जिस तरीके की आप सर्विस रिक्वायरमेंट होगी वेंडर लॉक इन मूविंग फ्रॉम वन क्लाउड प्रोवाइडर टू अनदर कैन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एक क्लाउड प्रोवाइडर से दूसरे पर जाना ये जो है डिफिकल्ट होगा और एक्सपेंसिव हो सकता है डेटा ऑनरशिप एच डेटा इज इन ऑन थर्ड पार्टी सर्वर देयर मे बी कंसर्न ओवर हु ऑन द डेटा एंड हु हैज एक्सेस टू इट लिमिटेड कंट्रोल एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज बाई द क्लाउड प्रोवाइडर बिजनेस हैव मे हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर देअर डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्टवेयर क्लाउड में जो है लिमिटेड कंट्रोल होता है जो यूजर है बिजनेस है उसका क्योंकि जो मैनेज करता है वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है तो इसलिए लिमिटेड कंट्रोल होता है आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया हुआ इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और फ्रेंड्स आई के सभी सब्जेक्ट का कम्पलेटिविजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुका है आप उसको जरूर देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो